नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की बॉलीवुड गपशप विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खास पांच खबरों की तरफ। कॉल मी बेब एक्ट्रेस अनन्या पांडे पिछले काफी समय से अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में बनी हुई है। आदित्य रॉय कपूर से अलग होने के बाद अनन्या का नाम पूर्व मॉडल वॉल्कर बैंकॉक के साथ जुड़ रहा है। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की है जिसके तार उनके रिलेशनशिप से जोड़े जा सकते हैं। आईफा अवार्ड 2024 में हिंदी सिनेमा की दीवा रेखा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया है। अभिनेत्री ने 6 साल बाद अवार्ड समारोह में परफॉर्म किया है। बीती शाम को आईफा का मंच रेखा के नाम किया गया था। उन्होंने अपनी अदाओं से सभी का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी अदाओं पर प्यार लुटा रहे हैं। 37 साल के एंकर तनुज वीरवानी ने 11 साल पहले फिल्म दुनिया में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने पॉपुलर सनी लियोनी के साथ रोमांटिक थ्रिलर वन नाइट स्टैंड से मिली थी। हाल ही में अभिनेता ने फिल्म में सनी के साथ काम करने पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि उनका सेट पर कैसा बॉन्ड हुआ करता था। आईफा अवार्ड समारोह में विनर्स की अनाउंसमेंट होने के साथ साथ बॉलीवुड सितारों के शानदार परफॉर्मेंस में भी महफिल में 4 चांद लगा दिए। किसी ने गाना गाया तो किसी ने डांस किया। इसी बीच लाइफलाइन राहुल और टीना यानी शाहरुख खान वो रानी मुखर्जी चुरा ले गए। सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भूल भुलैया का जब 2022 में स्क्वेल बना था तब फैंस इस बात से काफी खफा थे कि अक्षय कुमार को रिप्लेस कर कार्तिक आर्यन को फिल्म में लिया जा रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आई थी कि अनीश बोनमी ने अक्षय की जगह फिल्म में कार्तिक को कास्ट किया है। आज के लिए बॉलीवुड खबर में इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। ताई, ये क्या तुमसे सिलेंडर? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे। राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार। लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार। घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद।